ओम शांति। मैं मम्मा की विशेषताएं क्या सुनाऊं? मम्मा में कोई ऐसी कमी नहीं थी जिसको कार्यालय पर लोग पूछा करते। वो कंपनी परीक्षा थी उस समय मैंने उनको देखा और ऐसी संपूर्ण देखी। जो भी विशेषताएं ऐसी बहन जी ने सुनाई तो वो विशेषताएं मैंने अपनी एक पर आंखों से देख लिया। वहाँ पर कभी विशेषता सुनाई तो मुझे की मस्ता नहीं थी। वहाँ हॉल में जो कटी लगी होती थी कंगनी एक ये और जैसे एक पर एक पर बाबा बैठते थे और दूसरी पर मम्मा बैठते। मम्मा क्लास में बाबा से पहले आती थी और 15-20 मिनट खुद बोली चलाती थी। उसके बाद फिर बाबा बोली चलाते थे। जब बाबा मुर्गी चलाते थे तो मम्मा की बैठी उसी पर जमीन पर मुंह उसका बाबा की तरफ हो जाता था, सामने रहता था और मुर्गी ऐसे सुनती थी कि जैसे चाकरक होता है सुकून चक्र मामले एक कर्म भी वो इतना हो जाता और मेरे से देखो कि एक समूह बनती जा रही है, एक एक शब्द सुनकर समाकर समूह बनती जा रही है। ये मम्मा की जब मम्मा को फिर सुनानी होती थी किसी को तो ऐसे स्पष्ट करके उसको उसकी बोली को ऐसा स्पष्ट करके ऐसा सरल करके इतना सरल करके सुनाती थी जो उसके दिल में बैठ गया। दूसरा पॉइंट ड्रामा पर अटल निश्चय। मम्मा को एक ऐसी बीमारी थी और वो उसको वहाँ बॉम्बे में दिखाया गया और रमेश भाई जो हमारे थे उन्होंने दिखाया। डॉक्टर ने रमेश भाई को बताया कि मम्मा से 4 महीने की तो रमेश भाई को घबरा गए सुनकर और उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा मैं मम्मा को बताऊं कि नहीं बताऊं? बाबा ने क्या बच्चे तो मम्मा को क्या समझते बता दो। और मम्मा को जिसको मैं बताया तो चेहरे पर शिकम तक नहीं वही मुस्कान वही चेहरा कमाल की।